सो लो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप Vivo फ़ोन में लॉन्चर को कैसे डिसेबल करना है, कैसे आप Vivo फ़ोन में लॉन्चर को डिसेबल कर पाओगे। मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना क्योंकि सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको दो तरीके बताऊँगा जिसके ज़रिए आप लॉन्चर को डिसेबल कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें क्योंकि इस वीडियो का लाइक आया हमें 50 लाइक आपने करवाने हैं, मुझे पता 100% आप करा दोगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को किया सब्सक्राइब और घंटी के बटन दबा दें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लेके आ जाता हूँ। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन का, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, यहाँ पर आपको लॉन्चर को डिसेबल करने के लिए फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। तो सिंपली यहाँ पर आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है, यहाँ पर लिखा होगा ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपके फ़ोन में लॉन्चर है वो यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है। जैसे मेरे फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट का कोई लॉन्चर है तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा, ढूंढ लूँगा। तो ऐसे ही आपको जैसे ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा आ सकता है, अनइंस्टॉल, फोर स्टॉप और ओपन। तो यहाँ पर आपको पहले फोर स्टॉप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे स्टोरेज एंड कैचर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर स्टोरेज पर भी क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लियर कैचे पर भी क्लिक करना है। ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आप खुद से मैनुअल कर सकते हो। तो जहाँ पर आप देखोगे लॉन्चर से आप बाहर आ जाओगे, तो जहाँ पर ऐसे आपको मिल सकता है। फिर तो अगर आप परमानेंटली यहाँ पर ये वाला जो लॉन्चर है वो डिसेबल करना चाहते हो, डिसेबल करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको ये ऐप को डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर ढूंढना है कहाँ पर आपकी जो ऐप्स है लॉन्चर है वो यहाँ पर कहाँ पर है। जब मैं देखूँ तो यहाँ पर लॉन्चर है, तो सिंपली इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आप ऐप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है तो सीधे वहाँ पर आ जाओगे। तो जहाँ पर आप देखोगे अनइंस्टॉल की ऑप्शन नहीं आ रही, कैसे हम इसको डिलीट कर पाएंगे। डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैचे पर क्लिक करना है दोबारा, उसके बाद क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आप उसके ऊपर नीचे जाना है, जहाँ पर लिखा होम ऐप, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्विक स्टेप पर स्लाइड कर लेना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे उस पर आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वो ऐप फिर ढूंढनी है, उस पर यहाँ पर आपको ऐप अनइंस्टॉल की ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ऐप, ये लॉन्चर डिलीट हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।